टू द सेकेंड लार्जेस्ट जू ऑफ इंडिया। तो गाइज मैं आके पहुंच चुका हूँ नंदनकानन में। तो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट जू है और टिकट भी ले लिया है 50 रुपीज़ पर पर्सन। और मेरा तो फ़ोन है इसीलिए कुछ चार्जेस नहीं है। कैमरा वगैरह आप लाओगे तो 100 रुपीज़ 300 रुपीज़, डिपेंड करता है कितना बड़ा कैमरा आप लेते हो। और फॉरेन नेशनल्स हो तो उनके लिए भी ज़्यादा चार्जेस है। कितना क्या चार्जेस आता है ये मैं एक फ़ोटो ले आऊँ, इस पर आप देख लो। तो नंदनकानन इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट जू है और 437 हेक्टेयर्स है इसका एरिया। मंडे को क्लोज रहता है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से अराउंड 25 किलोमीटर्स दूर और रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर्स दूर होगा। तो ओडिशा आओगे या फिर भुवनेश्वर पूरी ट्रिप कर रहे हो तो नंदनकानन ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा है और बहुत वैरायटी का एनिमल्स आपको मिलेंगे। 3 सफारी भी रहता है यहाँ पे, बहुत कुछ है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको सब कुछ दिखाने के लिए। तो चलिए नंदनकानन का टूर स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को पूरा आवाज़ सुनाई दे रहा है, टाइगर्स हाइनास सब यहाँ पे शोर मचा रहे हैं। तो सुबह जल्दी आना, यही एक एडवांटेज है। एनिमल्स पूरा एक्टिव रहते हैं, उनके दिन के स्टार्टिंग करते हैं। देखा तो बियर्स वगैरह, जैकल, हाइना सब मिट्टी खोद रहे थे टॉयलेट करने के लिए। टाइगर भी वॉक कर रहा था। तो 8 बजे खुल जाता है, कोशिश करना कि 8:30 तक एंटर कर लो आप, बढ़िया लगेगा। बहुत कम लोग भी होंगे, आराम से घूम पाओगे। अभी नंदनकानन जू के टॉयलेट में हूँ। सुपर वर्क, बहुत अच्छा है। वॉश बेसिन भी है,
टॉयलेट भी पूरा क्लीन है, लेडीज जेंट्स दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से काम कर पाओगे। बाहर आसची ना एठिकार? ओहो, एक ना माँ बापा किए अच्छा ना उधार कर? ओहो, एमती बाहर बुले सेईडी जो थिले चारटा हाथी? 11टा पर्यंत बाहर बुलियो। अच्छा, तामर बंधा है? केते हैला वर्ष? 4 वर्ष। 4 ना, डाकिले किछि रिस्पोंड करिवो मामा? आपण ही जा कहबे से ये करिवो। हम जुवाडी जुम जाम सके हम बसु जे बस राम बाकर सोई। ओहो, तो भाई साहब यहाँ पे रेस्ट लेने के लिए जगह भी पूरा यूनिक है, पूरा जू है इसीलिए पूरा एनिमल फ्रेंडली है। देख सकते हो आप, ये वाला टर्टल है एक, गजब मज़ा आ रहा है। उस तरफ वाइट टाइगर का सफारी है। तो भाई लोग, यहाँ पे रेस्ट रूम का कोई भी कमी नहीं है, जिधर भी चाहो आप शेड मिलता है, बैठ पाओगे। ये ज़रूर लाना पानी, अंदर भी बहुत ड्रिंकिंग वाटर है, वहाँ से भर्ती कर देना वरना खुद का लाना, क्योंकि भाई अलग ही लेवल का गर्मी होगा। 1.5 घंटा घूम चुका हूँ लेकिन फिर भी पसीना पूछो ही मत, शर्ट देख के समझ में आ रहा होगा। ये 437 हेक्टेयर का है, 4 स्क्वायर किलोमीटर, तो बहुत ही बड़ा है, एक्सट्रीमली बड़ा। तो सफारी 3 ठो है, लायन का, टाइगर का, बियर का और एक डियर का, 4 ठो सॉरी, उसको छोड़ के भी इतना ज़्यादा बड़ा एरिया है, आप पूछो ही मत। तो प्रॉपरली डिहाइड्रेट रहना, और बच्चों वगैरह के लाना तो पानी अच्छे से लाना, और यहाँ पे मिनरल वाटर जो है वो भी बॉटल को फिल करते रहना, क्योंकि बहुत ही ज़रूरत है पानी भाई यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड में लायन, बियर और हर्बीवोरस का सफारी है, इस साइड में टाइगर का था, और यहाँ पे स्ट्रेट रोड्स, आगे जाएंगे तो सफारी का बुकिंग रेप्टाइल्स वगैरह सेक्टर आएगा। यहाँ पे पूरा ग्रुप है, रेस्ट ले रहे, सब सोए हुए हैं। ये बेचारा अकेला यहाँ पे है, और यहाँ पे पूरा ग्रुप ऑफ मगर्स। तो गाइस, सफारी यहाँ से यूजुअली शुरू होता है, और ये वाला टिकट काउंटर है, 10 बजे से लेके 5 बजे तक खुला रहता है। वाइट टाइगर, लायन, डियर, बियर सब सफारी आता है, और प्राइस इसको यहाँ पे किसी ने मिटा दिया है, एक्चुअली 50 रुपीज़ है। मैं लास्ट टाइम जब आया था 50 रुपीज़ था, तो अभी काम के लिए फ़िलहाल बंद है। ये देखो भाई साहब,
और ये वाला पुराना रोपवे का रोड है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा है। टॉय ट्रेन का ट्रैक भी दिख रहा होगा, दिसंबर को कंप्लीट हो जाना चाहिए था टॉय ट्रेन वो नोटिस के अकॉर्डिंग, पर मेरे को लग रहा है ये जो वायरस के चक्कर में काम होना बंद हो गया। ये देखो जी टॉय ट्रेन का ट्रैक, होपफुली जल्दी शुरू हो जाए और ये रोपवे भी शुरू हो जाए। गाइज अभी बोटिंग के एरिया में आ चुका हूँ, पीछे मेरा कांजिया लेक है, पर अनफॉर्चुनेटली अकेला आया हूँ तो बोटिंग नहीं करूँगा। 50 रुपीज़ दो सीटर के लिए, 100 रुपीज़ फोर और फैमिली शायद 6 या 8 सीटर के लिए 150 रुपीज़। तो यहाँ पे एक शेड जैसा बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन जगह है, आप यहाँ पे बैठ के आराम से इंजॉय कर पाओगे व्यू को। तो मैं तो अभी बैठने वाला हूँ 5-10 मिनट आराम से और व्यू को देखने वाला हूँ। गाइज यहाँ पे बोटिंग चालू है, वहाँ पे दूर पे एक रोप जा रहा है, ये वाला वहाँ तक कनेक्ट करता है यहाँ से, तो वो वाला रोपवे का रोप है, होपफुली जल्दी ही चलेगा।
गाइस, और एक छोटा सा बर्ड सेक्शन है, उसमें मेरा एक फेवरेट पार्ट है, वॉक थ्रू एवियरी। आपको दिखाता हूँ, ये वाला पूछ के आना है किसी को अगर पता नहीं चल रहा है, मिस नहीं करने का, बहुत ही सही चीज़ है, पूरा यूनिक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये वाला एक वाटरफॉल रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी बंद है, पता नहीं क्यों। इसका स्पेशलिटी ये है कि आप लोगों को बर्ड्स पूरा ओपन में मिलेंगे, पीकॉक्स वगैरह घूम रहे हैं, और यहाँ पे भी बहुत बर्ड्स उड़ रहे हैं। ऊपर पूरा नेट लगा हुआ है, लेकिन अंदर ऑलमोस्ट खाली है। बढ़िया चीज़ है भाई, ये वाला मिस मत करना। ये देखो जी, खाने के लिए रखा गया है। ये कोई बर्ड पता नहीं कौन सा है, पैरट के टाइप दिख रहा है, भाई साहब खा रहे हैं, और दो ऊपर बैठ के बातचीत चालू है। बहुत ही सही चीज़ है भाई, बहुत ही सही। ये वाला बिल्कुल मिस मत करना, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, क्योंकि पूरा अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों का। आज थोड़ा कम बर्ड्स एक्टिव है, 12:30 अराउंड हो चुका है, वरना बहुत बर्ड्स एक्टिव रहते हैं। ख़त्म। तो भाई साहब, नंदनकानन के अंदर खाने का भी सुविधा है। आपको तो वो रेस्टोरेंट दिखाया था, दूसरा वाला, और ये जो आगे देख रहे हो, ये गवर्नमेंट का OTDC का भी रेस्टोरेंट है। यहाँ पे भी आप जाके खा पी पाओगे।